कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत आ रही है। तो आज आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश को एक मां की तरह एक करने का श्रेय किसी को जाता है तो इस व्यक्ति को जाता है। इनकी प्रॉब्लम क्या थी? मुझे एक संगठित राष्ट्र चाहिए, आई वॉन्ट वन इंडिपेंडेंट यूनाइटेड इंडिया। क्या इनकी प्रॉब्लम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम थी या इनकी प्रॉब्लम देश की प्रॉब्लम? तो जो लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आर्मी बनाने का सपना या आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी समस्या, आपके सपने पूरा होने के बाद, आईएएस बन जाने के बाद आप कौन सी समस्या सॉल्व कर रहे होंगे। अगला नाम क्या है? हाँ तो भाई जिन्हें अगला नाम बताओ, सभी को पता होगा, सरदार भगत सिंह। 11 साल की उम्र, मैं उम्र पर बहुत ज्यादा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज आप जिस उम्र में हैं, उस उम्र में ये लोग क्या कर रहे हैं। 11 साल की उम्र थी, कितने लोगों ने जलियांवाला बाग का नाम सुना है? आप बताए, सभी ने सुना होगा। ठीक, जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हजारों भारतीयों, निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई, उनको मार दिया। पूरा जलियांवाला बाग लाशों से और खून से पटा हुआ था। 11 साल का लड़का वहां पहुंचता है और वहां पर खून से सनी हुई मिट्टी को हाथ में उठा करके कहता है कि मैं ये सौगंध देता हूं कि मैं इस मिट्टी को आज अर्पण कराऊंगा या इसी मिट्टी में दोबारा मिल जाऊंगा। 11 साल के लड़के ने अपनी प्रॉब्लम चुन ली थी। प्रॉब्लम क्या थी? देश की आजादी। 23 साल की उम्र हुई, फांसी लगने वाली थी। माता जी इनके सामने फांसी का आखिरी दिन था, अंग्रेज डर गए थे इनसे। 2 दिन पहले फांसी लेने वाले थे, माता जी आखिरी बार इनसे मिलने आई, इनकी माता जी रोने लगी इनके सामने। आप सोचो, आप 23 साल के युवा लड़के को, आपका शादी नहीं हुई है, पूरा जीवन आपके सामने है, आपको फांसी लगने लगी। और जिस मां ने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, अपने खून से सींचा है, वो ये देख रही है कि मेरे जवान लड़के को फांसी लगने वाली है, वो सामने आपने रोने लगी। भगत सिंह जवाब देते हैं, भगत सिंह कहते हैं, मां रो मत, मैं ये नहीं चाहता कि बाहर कोई ये कहे कि भगत सिंह की मां रो रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे बाद मेरे पीछे हजारों भगत सिंह मुझे फॉलो करने के लिए खड़े होंगे, हजारों ऐसे भगत सिंह आएंगे जो भारत को एक रखेंगे, भारत को आजाद कराएंगे। जब भगत सिंह फांसी पर झूले होंगे ना, तो उन्होंने तुम जैसे लोगों को सोचा होगा कि तुम अभी अपनी प्रॉब्लम वो सिलेक्ट करोगे जो उसकी प्रॉब्लम होगी। उन्होंने ये सोचा होगा कि मेरे बाद जो आएंगे तुम्हारे जैसे युवा, वो भी अपने स्फीयर में भगत सिंह होंगे। आज आपको देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन देश के लिए जीने की जरूरत है।